बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप आज की ये वीडियो आप ज़रा आखिर तक देखें। मैं आज आपको कुछ ऐसा दिखाने सुनाने जा रहा हूं कि आप और हम सारे जो हैं वो डीज़ल डीज़ल तो कहते हैं कि डीज़ल मुल्ला ने ये कर दिया, डीज़ल मुल्ला फितना है, डीज़ल मुल्ला फसाद है, लेकिन डीज़ल मुल्ला को आप भूल जाएंगे। एक और मुल्ला जो है वो मैं ढूंढ कर लाया हूँ। कल मेरी निगाह में वो आ गया तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए और जितना हो सके इस मुल्ला की जो भौंकबाजी है उसकी मजम्मत भी की जाए। पहली बात यह है कि बहुत सारे लोग ये भी कहते होंगे कि ये जो मुल्ला हैं, सईद भाई, इनकी आप बातों में ना आया करें या इनकी बातों पे गुस्सा ना किया करें या इतना गुस्सा जो है वो ठीक नहीं है, वो एक आलिम है, आलिम जो है वो बहुत बड़ा कमाल का आलिम होता है, इस तरह की बातें। लेकिन समझना जो है वो भी बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत की बात नहीं है, किसी को थोड़ा वक्त लगता है। मैं आपको अभी उसकी ऑडियो सुनवाऊँगा, आप उसको सुनकर आप फैसला करेंगे कि फिर मेरा गुस्सा करना हक बनता है या नहीं बनता। पहले ज़रा ये आप ऑडियो क्लिप सुने। ताहिर अशरफी है, मुल्ला ताहिर अशरफी, ये जो हैं वो सरकारी मुल्ला हैं, खाते पीते और पेट पूजा करते हैं और फिर उन्हीं का बयान जो है वो आगे शेयर करते रहते हैं, और जिस अंदाज से वो बयान कर रहा है वो मैं वीडियो क्लिप तो आपको दिखा नहीं सकता। मालूम ऐसे होता है कि जैसे पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन यही मुल्ला ताहिर अशरफी है, बाकी सब के सब गद्दार हैं, या पाकिस्तान की फ़ौज मुहिब्बे वतन है और जो शहरी हैं यहाँ पे रहने वाले वो सब गद्दार हैं, यानी टैक्स खाने वाले मुहिब्बे वतन, टैक्स देने वाले गद्दार हैं। ज़रा आसान बात से समझ लीजिए। और सबसे पहले ज़रा ये ऑडियो क्लिप सुन लेते हैं, इसके बाद इस पर तज्जिया करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, इसको अच्छी तरह से करता हूँ। आज मैं बेनकाब, सुनिए ज़रा। कुरान मस्जिद की बात हो तो सबसे पहली आवाज हमारे यहां से उठती है, ये मस्जिद जलाने वाले, ये कुरान जलाने वाले, ये मुझे बताएं ये किस दीन के मानने वाले हैं? ये तो ना इस्लाम के मानने वाले लगते हैं ना किसी और दीन के मानने वाले लगते हैं, क्योंकि तमाम जो अदियान हैं उनका पैगाम अमन है। इस मस्जिद का कसूर क्या था? और फिर ये लगता है कि एक प्लानिंग के तहत जो लोग अंदर आए उन्होंने पहले से तरतीब तय की हुई थी कि इस घर को किस तरह जलाना है। फिर यही बाहर अगर आप देखें और GHQ शुहदा की तस्वीर, शुहदा के मुजस्मे, वो कर्नल शेर खान जिसकी जुर्रत और बहादुरी की तारीफें हमारा दुश्मन इंडिया भी करता है, उसके मुजस्मे को जिस तरह तोड़ा गया, ये क्या है? और फिर मुझे समझ नहीं आती कि इसकी मजम्मत करते हुए इफ एंड बट और अगर मगर चूके चुनाचे क्यों है? कोई भी हो, किसी भी जमात का हो, किसी का रिश्तेदार हो, किसी का बेटा हो, किसी की बेटी हो, किसने भी ये काम किया है, हमारा मुतालबा ये है। मैं पाकिस्तान उलमा काउंसिल और मुल्क के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा और मशाइख की तरफ से ये मुतालबा करता हूं कि इसी जना हाउस में कोर्ट लगाई जाए और सरेआम इनको सजाएं दी जाए। जी दोस्तों, आपने इस मुल्ला की भौंकबाजी सुन ली है, जैसे कोई कुत्ता भौंक रहा हो इसी तरह से ये भौंक रहा है। मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा मुसलमान है कि जो सियासी मामलात में उसको नाराज़गी, उसको गुस्सा तो हो राना सना पे, उसको गुस्सा हो शबाज़ शरीफ पे, उसको गुस्सा हो किसी और नहले पे या दहले पे, लेकिन वो इतना बेवकूफ़ कौन है जो जाकर मस्जिद को जला दे, जो जाकर कुरान को जला दे और उसे अपनी आखिरत की फ़िक्र भी ना हो? आज तक मीडिया में कोई ऐसी फुटेज नहीं आई, कोई ऐसी वीडियो नहीं आई जिसमें किसी मस्जिद को जलाया गया हो 9 मई को, जिसमें कुरान मजीद को जलाया गया हो, नऊज़ बिल्ला। अब ये मुल्ला जो है वो भौंक रहा है क्योंकि ये सरकारी मुल्ला है, तनख्वाह मिलनी है इसको, इसको फिर कहा जाता है कि आप आएँ
जो हम आपको तनख्वाह देते हैं ज़रा उसका हक अदा करें, अगर आप नहीं करते तो हम आपको निकाल देंगे। ये मुल्ला जो है ना अपनी इज्जत देखता है, ना अपना वक़ार देखता है, और ना ये ध्यान करता है कि आखरत में मुझसे पूछा जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन ये आकर टीवी पर भौंकना शुरू कर देते हैं कि हाँ जी 9 मई को ये वाक़या हो गया, बड़ा मुझे अफसोस है, हम मुसलमान हैं, हम क्या कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, हकीकत बात मैं आपको बताऊं, हकीकत ये है कि 9 मई के वाक़यात को कौन ज़्यादा लेकर इस वक्त जो है वो फ़ायदा हासिल कर रहा है, यही PDM की जमातें हैं और पाकिस्तान की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, और फिर वो तमाम लोग, यानी आप ये अंदाज़ा करें कि जब शेर जो है उसकी जवानी होती है, ताकत होती है शेर के पास, तो जंगल का कोई जानवर उसके सामने आगे या पीछे नहीं आता। उसे पता होता है कि शेर ताकतवर है, पीछे आएगा तो पीछे हमला करेगा, आगे जाएगा तो किसी को छोड़ेगा नहीं, साइड पे कोई नज़र आ गया शिकार वो शिकार कर लेगा, और फिर कोई नज़र ही नहीं आता, हर जानवर जो है वो छुप जाता है। इसी तरह जब इमरान खान का जौबन था, ये सारे गीदड़, चूहे, कुत्ते, बिल्ले, ये सारे अपने जो है वो सुराखों में छुप गए थे, और जैसे ही इनको पता चला कि इमरान खान जो है वो अब कमज़ोर हो गया है, अब हमने इतना बड़ा उस पर जुल्म कर दिया है, उसके कारकुनान को जेल में डाला, उसके सपोर्टरान को जेल में डाला, और उसकी लीडरशिप को जेल में रखा, इस वक्त एक इमरान खान बाहर बैठे हैं, उनको भी जल्द गिरफ्तार करके उनको भी जेल में डाल देंगे, अब इमरान खान बाकी नहीं है, अब सारे कुत्ते बिल्ले चूहे अपने सुराखों से निकल कर भौंक रहे हैं, और हर कोई अपना बदला जो है चुकाने के लिए आ चुका है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, किसी को गुस्सा लगता है तो लग जाए, किसी को नाराज़गी होती है तो हो जाए, और हकीकत बात यही है कि इस वक्त एक बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। प्रोपेगेंडा क्या है? प्रोपेगेंडा सिर्फ यही है कि इमरान खान की मकबूलियत का तोड़ इलेक्शन में तो हो ही नहीं सकता, चाहे धांधली करें या धांधला करें, इमरान खान से हम इलेक्शन तो जीत ही नहीं सकते। लेकिन अब उसका मुकाबला कैसे करना है? उसका मुकाबला इसी तरह करना है कि उसको इलेक्शन लड़ने ही ना दिया जाए, उसको जेल में रखा जाए, उसकी पार्टी को जेल में रखा जाए, कारकुनान जो भी इमरान खान का नाम ले उनको जेल में डाल दिया जाए। जुल्म सितम इतने हो रहे हैं कि इतने तो फिरौन ने ही जुल्म नहीं किए, और कल कयामत के दिन जब अल्लाह ताला किसी जालिम को पकड़ेगा और कहेगा कि तूने जुल्म किया, फिरौन को पकड़ेगा कि तूने जुल्म किया है, तो फिरौन ये कहने में हक बजाने होगा कि आए मौला करीम, मैंने वाकई जुल्म किया, लेकिन मुझे तो आप पकड़ रहे हैं उस जुल्म के बदले में, और जो इन्हीं लोगों ने किया था जुल्म वो तो मुझसे बढ़कर किया, औरतों को घसीटा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, बच्चों को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है, हर तरह का गैर कानूनी काम करके ये लोग जो हैं PTI को तोड़ने में क्रैक डाउन का सिलसिला जारी है, और सिर्फ नियत यही है कि PTI इलेक्शन में नहीं होनी चाहिए। यह बदनीयती है। बदनीयती कैसे है? बदनीयती ऐसे है कि आप देखें कि अदालत जो है वो फैसला देती है कि 9 मई के वाकयात में ये लीडरशिप आज़ाद है, जब वो आज़ाद होकर अदालत के अहाता से बाहर निकलते हैं फिर फौरन उन्हें किसी और मुकदमे में पकड़कर फिर जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो इससे बदनीयती मालूम ये होती है कि 9 मई का वाकया इन लोगों के लिए इतनी बड़ा सानिया नहीं है, ये सिर्फ बहाना है, और 9 मई में अब तो वीडियोस आ रही हैं, सबूत आ रहे हैं कि 9 मई का जो वाकया हुआ है उसमें ये PDM की जमातें जो हैं वो 100% मुलव्वस हैं और इन लोगों ने आग लगाई है। अगर आपको हम मिसाल दें तो इस तरह देखें, 27 साल हो गए हैं PTI के कारकुनान जलसे हुए हैं, बड़े बड़े तारीखी जलसे हुए हैं, बड़े बड़े इज्तिमा हुए हैं, लेकिन कहीं जो है वो पौधे का पत्ता जो है वो भी नहीं टूटा, गमला नहीं टूटा, और इमरान खान को गोली लगती है, कातलाना हमला होता है, उसकी फुटेज सामने आती है, तस्वीरें सामने आती हैं, इमरान खान
गोलियों के दर्द से कराहता है, चीखता है, उसकी वीडियोस आती हैं। अवाम पर अमन रहे, उन्होंने कोई ऐसा इश्तियाल नहीं फैलाया, पर अमन रहे, यानी हमला होता है कातलाना, अवाम पर अमन रहते हैं और गिरफ्तारी होती है तो अवाम आग लगा देते हैं पाकिस्तान को। ये नहीं हो सकता। ये फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया है और बनाने वाले जो हैं, अब वीडियो सामने आ रही हैं, नून लीग के अपने लोग हैं, भेजे गए थे उसमें, और ताकि एक ऐसा स्केच तैयार किया जाए जिससे जवाज़ बनाकर पीटीआई पर क्रैक डाउन किया जाए। यही तो आज सब कुछ हो रहा है। और कुत्ते जो हैं वो भौंक रहे हैं हर तरह से, लेकिन हमने कुत्तों की आवाज़ नहीं सुनी। कहते हैं कि मुसाफिर अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकता। मेरी बात ज़रा गौर से सुने, मुसाफिर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता जो कुत्तों की आवाज़ सुनकर ठहर जाए, या कुत्तों को जो है वो उनके अपना जो है दिफा करने लग जाए, वो कभी अपनी मंजिल मकसूद पे नहीं पहुंच सकता। अगर हमने हकीकी आज़ादी हासिल करनी है, कुत्ते भौंकते रहें, गीदड़ इसी तरह जो है वो चीखते चिल्लाते रहें, ये सारे चूहे अपने सुराखों से बाहर निकलकर ची ची करते रहें, आपने नहीं सुनना। आपने हकीकी आज़ादी के सफ़र को जारी रखना है, अपनी मंजिल को जारी रखें। ये तो इसी तरह होता रहेगा। ये प्रोपेगेंडा है कि किस तरह से पीटीआई को हमने बैक पे करना है, तोड़ना है, ख़त्म करना है। अगर इनको ख़त्म नहीं करते, पीटीआई ख़त्म नहीं होती, तो हमारी आने वाली नस्लें और हमारा इक्तदार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये एक ऐसी जंग है, हमने प्रोपेगेंडे में नहीं आना। कोई कुरान नहीं जलाए गए, हम मुसलमान हैं, कोई मस्जिद नहीं जलाई गई, बल्कि जो कुछ किया गया है ये झूठ पर मबनी है। और इसी तरह के सरकारी जो मुल्ला हैं, पेटू मुल्ला, उनको सामने लाकर बयानबाजी कराई जाती है, और वो इतनी बड़ी डठाई से बयान कर रहा है जैसे इसको दुख जो है वो इसको खाए जा रहा है। लानत हो ऐसे मौलवियों पर जो अपने पेट के लिए अपने दीन को बेचते हैं, लोगों के अंदर जज्बात और इश्तियाल अंगेजी फैलाते हैं, लोगों को उनके खिलाफ फतवे देते हैं ताकि हमारा पेट पलता रहे। खुदा लानत करे ऐसे मौलवियों पर। दोस्तों, इस वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।